गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज फिर लेकर हाजिर हैं एक नया टॉपिक, ट्वेल्थ कॉमर्स सब्जेक्ट BST। टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो फर्स्ट चैप्टर है उसका ये टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आज उसके बारे में जानेंगे कि मैनेजमेंट है उसका नेचर कैसा है, नेचर क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि नेचर क्या है। तो देखिए, नेचर का मतलब है प्रकृति या स्वभाव। नेचर क्या होता है? नेचर होती है किसी भी तत्व की प्रकृति, किसी भी एलिमेंट की प्रकृति या किसी एलिमेंट का स्वभाव कैसा है। जैसे हमने पिछले टॉपिक में फीचर के बारे में पढ़ा था, विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। करेक्टरिस्टिक्स की तरह प्रकृति भी किसी भी कंटेंट को, किसी भी एलिमेंट को पहचानने में मदद करती है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक नेचर है कि प्रबंध है, प्रबंध की प्रकृति कैसी होती है। हमने जब विशेषताएं पढ़ी थी तब इस बारे में बात किया था, उसमें टॉपिक निकला था, मैंने आपसे कहा था बाद में पढ़ाऊंगा, साइंस एंड आर्ट्स, ठीक है, उस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, या इसको कुछ जगह पर व्यवहार भी कहते हैं। प्रकृति, स्वभाव या व्यवहार, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम उसे पहचानते हैं कि प्रबंध की प्रकृति कैसे है। देखो बच्चों, जब भी प्रकृति की बात आती है, नेचर की बात आती है, तो हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति से इसकी तुलना, किसी दूसरे बिंदु से इसकी तुलना की जा सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति ने अपनी लाइफ में पहली बार घी देखा, ठीक है, अब पहली बार घी देखा और उसे किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना है, किसी दूसरे व्यक्ति को बताना है जिसने कभी जीवन में कभी घी नहीं देखा। अगर उसे वो समझाना है तो वह कैसे बताएगा? वो बताएगा कि घी कुछ ऐसा होता है जैसे एक लिक्विड की तरह होता है, कभी वो कठोर भी हो जाता है, कभी लिक्विड होता है, ठीक है, उसका रंग कुछ कभी पीला भी होता है, कभी सफ़ेद भी होता है, ठीक है। तो वो घी के बारे में इस तरह से बताएगा, तो उसके जो गुण हैं, उसके जो कुछ बातें हैं जिसके द्वारा उसको पहचान सकते हैं, ठीक है, प्रकृति। या फिर बात करें कि भगत सिंह एक शेर इंसान था, तो भगत सिंह की प्रकृति बताई जा रही है, भगत सिंह का नेचर बताया जा रहा है कि उसका नेचर कैसा था, ठीक है। या फिर हम कई बार कहते हैं कि उस व्यक्ति की तो प्रकृति ऐसी है, उससे तो कोई सीधे मुंह बात करे तब भी उल्टे मुंह बात करता है। तो प्रकृति में उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसकी उसका नेचर, इन सभी को इंक्लूड करते हैं। हम प्रबंध की प्रकृति के बारे में बात करते हैं कि प्रबंध की प्रकृति क्या है। तो देखिए, प्रबंध की प्रकृति को लेकर के जो स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स के जो व्यू हैं वो अलग 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 है, डिफरेंस डिफरेंस व्यूज हैं। प्रबंध की प्रकृति को लेकर के हमारे प्रबंध के जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनके व्यूज अलग अलग हैं। किसी ने किस एंगल से देखा और अपने व्यूज लिख दिए, किसी ने उसको दूसरे एंगल से देखा और अपने व्यूज लिख दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल बात करें, सबसे पहले आते हैं फयोल, हेनरी फयोल की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। हेनरी फयोल ने प्रबंध के लिए कहा कि मैनेजमेंट जो है, ठीक है, मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, हेनरी फयोल ने मैनेजमेंट को लेकर के अपने जो व्यू दिए, तो मैनेजमेंट को लेकर हेनरी फयोल ने कहा कि मैनेजमेंट की नेचर है यूनिवर्सलिटी, और यूनिवर्सलिटी के बारे में हमने इसके फीचर में पढ़ा, आगे अभी और भी पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं F.W. Taylor। बच्चों, इन दोनों नामों को स्पेशली याद रखना, क्योंकि ये नाम आगे भी आपके रिपीट होंगे। फयोल जो है, फयोल को एडमिनिस्ट्रेटिव फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के लिए फयोल को जाना जाता है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक प्रबंधन, प्रशासनिक प्रबंध के पिता,
की बात करते हैं तो एफ सॉरी फेयोल आते हैं, और एफ डब्ल्यू टेलर की बात करें तो मैंने पहले भी कहा था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए जो जाने जाते हैं वो एफ डब्ल्यू टेलर को जाना जाता है। प्रिंसिपल पहले फेयोल ने दिए थे लेकिन फेमस पहले एफ डब्ल्यू टेलर हुई है। तो बात कर रहे हैं कि स्कॉलर्स की व्यू प्रबंध की प्रकृति के बारे में, तो एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा है। एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा है कि इट्स अ साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट। एफ डब्ल्यू टेलर कहते हैं कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, तो मैनेजमेंट जस्ट लाइक एज ए साइंस एंड एज ए आर्ट, इट्स अ फुल्ली आर्ट्स एंड जस्ट लाइक एज ए साइंस। तो मैनेजमेंट के बारे में टेलर ने साइंस और आर्ट्स के रूप में इसके नेचर बताइए। उसके बाद बात करते हैं ब्रिज की, बात करते हैं जॉर्ज टेरी की, बात करते हैं जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी की अगर हम बात करें तो जॉर्ज आर टेरी ने इसको प्रोसेस कहा है, मैनेजमेंट को क्या कहा है, प्रोसेस कहा है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाली क्रिया है। मैनेजमेंट कुछ नहीं है, मैनेजमेंट एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कामों को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। आगे चले तो ब्रिज, ब्रिज नाम के एक स्कॉलर आते हैं। ब्रिज स्कॉलर जो है, ब्रिज कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट एक सोशियल एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एक सोशियल एक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू ब्रिज। ब्रिज ने सोशियल एक्टिविटी का नाम दिया है। और भी अगर मैं बात आपको बताऊं तो ये तो हमने कुछ बातें की एफ डब्ल्यू टेलर की, फेयोल की, ब्रिज की, जॉर्ज आर टेरी की, और भी अलग अलग स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अलग अलग कहा है। कुछ लोगों ने इसे कहा है मल्टी डिसिप्लिनरी, कुछ लोगों ने इसे मल्टी डिसिप्लिनरी कहा है क्योंकि जब उन्होंने डीपली इसका स्टडी किया तो पता चला कि इसके अंदर तो कोई एक व्यक्ति के गुण नहीं है, इसमें किसी एक एलिमेंट के गुण नहीं है, इसमें कई चीजों के गुण है। जैसे एक व्यक्ति है वो टैलेंटेड है, लेकिन जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि वो व्यक्ति ये काम भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति तो मल्टी टैलेंटेड है। हाँ, उसी प्रकार से प्रबंध के लिए कहा है, मैनेजमेंट के लिए कुछ लोगों ने कहा है कि इट्स ए मल्टी डिसिप्लिनरी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसिप्लिनरी क्या होता है, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है, और मल्टी डिसिप्लिनरी इसको कहा है तो क्यों कहा है। चलिए मैनेजमेंट एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी, मैनेजमेंट एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है। तो मैनेजमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों है, देखो सबसे पहले बात करते हैं डिसिप्लिन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डिसिप्लिनरी क्या है, हिंदी में कहते हैं विधा। देखो डिसिप्लिन क्या है, विधा क्या है, नॉलेज की एक पर्टिकुलर जो ब्रांच होती है हम उसे डिसिप्लिन कहते हैं, हम उसे डिसिप्लिनरी कहते हैं। ज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा, ज्ञान की एक स्वतंत्र जो शाखा होती है उस शाखा को हम क्या कहते हैं,
विदा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विदा। और डिसिप्लिनरी है, तो अब इसको मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों कहा गया? तो पहले इसके बारे में कुछ समझते हैं। देखिए, एवरी इंडिपेंडेंस Every independent branch of knowledge is known as discipline. Discipline किसे कहेंगे? तो discipline की हम बात कर रहे हैं कि एवरी इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज इज नोन एज डिसिप्लिन। नेक्स्ट, जैसे कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स एक्सेट्राज, ये सब क्या है? ये सब मल्टी डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एवरी डिसिप्लिन हैज इट्स Every discipline has its own objectives, to achieve it various principles आर डेवलप्ड। एवरी डिसिप्लिन हैज इट्स ऑन ऑब्जेक्टिव, हर डिसिप्लिन के खुद के कुछ उद्देश्य होते हैं। ठीक है, टू अचीव इट, उनको प्राप्त करने के लिए वेरियस प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड, और उनको प्राप्त करने के लिए बहुत से प्रिंसिपल्स को क्या किया जाता है? विकसित किया जाता है, डेवलप्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की प्रिंसिपल्स की, सॉरी डिसिप्लिन की, कि डिसिप्लिन क्या है। तो डिसिप्लिन के बारे में एक बार वापस फिर बता रहा हूं कि डिसिप्लिन क्या है। तो एवरी इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज इज नोन एज डिसिप्लिन, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। एवरी डिसिप्लिन हैज इट्स ऑन ऑब्जेक्टिव्स, टू अचीव इट वेरियस प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड। आगे बात कर रहे हैं मल्टी डिसिप्लिन क्यों कहा गया है, मल्टी डिसिप्लिन कैसे कैसे है ये समझते हैं। देखिए, मल्टी डिसिप्लिन इसलिए कहा गया है क्योंकि बिकॉज इट्स मैनी बिकॉज इट्स हैव मैनी कंसेप्ट, क्योंकि इसके बहुत से कंसेप्ट हैं। प्रिंसिपल हैं, एंड देन आर फाउंडेड अपॉन द नॉलेज ऑफ अदर डिसिप्लिन। मैनेजमेंट को मल्टी डिसिप्लिन क्यों कहा गया है? क्योंकि बिकॉज इट्स हैव मैनी कंसेप्ट, मैनी कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड अदर देन आर फाउंडेड अपॉन द नॉलेज ऑफ अदर डिसिप्लिन। प्रबंध के अंदर
अनेक कंसेप्ट हैं, अनेक सिद्धांत हैं, और अदर देन फाउंडेड अपॉन द नॉलेज ऑफ अदर, और दूसरी जो विधाएं हैं, दूसरी जो ब्रांचेज हैं नॉलेज की, उनके गुण भी, उनके जो वर्च्यूज हैं, मेरिट्स हैं, वो भी इसमें इंक्लूड हैं। प्रबंध को मल्टीडिसिप्लिन क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रबंध में और दूसरी जो अन्य विधाएं हैं, उन अन्य विधाओं के गुण भी इसमें शामिल हैं, इसलिए प्रबंध को क्या कहा गया कि मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टीडिसिप्लिनरी है। यह आर्ट्स एंड साइंस भी है, यह साइकोलॉजी भी है, यह इकोनॉमिक्स भी है, यह फिलोसॉफी भी है, यह सोशियोलॉजी भी है। दुनिया भर के जो डिसिप्लिन्स हैं वो इसमें इंक्लूड हैं, उनके वर्च्यूज, उनके जो गुण हैं, उनके जो फीचर्स हैं वो इसमें इंक्लूड हैं, इसलिए मैनेजमेंट को मल्टीडिसिप्लिन कहा गया है। पढ़ते आगे, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एक अलग विद्या है, पॉलिटिकल साइंस एक अलग विद्या है। मैनेजमेंट ने पॉलिटिकल साइंस से क्या ग्रहण किया है, क्या लिया है, या यूं कहे पॉलिटिकल साइंस ने मैनेजमेंट को क्या दिया है? तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस ने मैनेजमेंट को दिया है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है, संगठन कैसे बनाना है, संगठन कैसे बनाया जाता है, मैनेजमेंट में ये जो कला जो आई है, ये जो एलिमेंट जो आया है ऑर्गेनाइजेशन का, ये पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा और क्या लिया गया है? तो इसके अलावा लिया गया है ब्यूरोक्रेसी। एक तो लिया गया है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और दूसरा लिया गया है ब्यूरोक्रेसी। पॉलिटिकल साइंस जो अपने आप में एक अलग विधा है, पॉलिटिकल साइंस से क्या लिया गया है? एक तो लिया गया है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और दूसरा जो लिया गया है वो लिया गया है ब्यूरोक्रेसी। बच्चों, ये दो चीज हैं जो किससे ली है? पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, चलो और भी कई विधाएं हैं, उनसे अलग अलग विधाओं से क्या क्या लिया गया है। तो जैसे इकोनॉमिक्स है, अब इकोनॉमिक्स से क्या लिया है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है? तो देखो, इकोनॉमिक्स हमें रिसोर्सेज के बारे में बताती है, और इकोनॉमिक्स कहती है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। शुरू में भी मैंने बात बताई थी कि संसाधन जो होते हैं वो सीमित हैं, उन संसाधन का कैसे उपयोग किया जाए, इन संसाधनों के बारे में डिसीजन कैसे लिया जाए। तो डिसीजन मेकिंग जो हमें सिखाती है वो इकोनॉमिक्स सिखाती है, और संसाधन का जो यूटिलाइजेशन है वो हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। और मैनेजमेंट में जो ये दोनों बातें इंक्लूड की गई है वो कहां से ली गई है? इकोनॉमिक्स से ली गई है। तो देखिए, डिसीजन मेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो हमने सीखा है, जो हमने लिया है, वो कहां से लिया है? इकोनॉमिक से लिया है। इसलिए मैनेजमेंट में पॉलिटिकल के भी गुण हैं, मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स के भी गुण हैं। आगे बात करते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से क्या लिया है? साइकोलॉजी मनोविज्ञान, मनोविज्ञान से क्या लिया है?
अब मनोविज्ञान में ह्यूमन बींग्स जो है, मानवीय व्यवहार जो है उसका स्टडी किया जाता है। साइकोलॉजी हमें मानवीय विज्ञान, मानव का जो व्यवहार है, मानव के व्यवहार का अध्ययन सिखाती है कि मानव का व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाए, मानव का व्यवहार अगर ऐसा है तो क्यों है। साइकोलॉजी में मानवीय ह्यूमन बींग्स का स्टडी होता है, ह्यूमन बींग का जो बिहेवियर है उसका स्टडी होता है। तो मैनेजमेंट के अंदर भी ह्यूमन बींग वर्क करते हैं और एक्टिव सोर्स ह्यूमन बींग ही है, तो मैनेजमेंट के अंदर भी ह्यूमन बींग का जो बिहेव है उसका स्टडी किया जाता है, इसलिए मैनेजमेंट इज ऑल्सो साइकोलॉजी। तो देखिए साइकोलॉजी हमने क्या लिया है, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की जो ह्यूमन बींग का जो बिहेव है या ह्यूमन बींग का जो अंडरस्टैंडिंग करना है कि मानव ऐसा, मानव का जो बिहेव है मानव का जो व्यवहार है उस मानवीय व्यवहार का जो अध्ययन किया जा रहा है वो साइकोलॉजी में किया जा रहा है, उस मानवीय व्यवहार का अध्ययन मैनेजमेंट में भी किया जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मैनेजमेंट साइकोलॉजी भी है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में समाज का अध्ययन किया जाता है, ग्रुप का अध्ययन किया जाता है। किसी भी ग्रुप या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का जो अध्ययन किया जाता है, किसी ग्रुप के बारे में जानकारी, किसी भी ग्रुप पर रिसर्च किया जाता है वो सोशियोलॉजी में किया जाता है। समाज शास्त्र जो है वो हमें समाज के अनेक अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, समूह हैं, उन समूहों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो प्रबंध के अंदर भी अनेक ग्रुप होते हैं, अनेक डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये यहाँ से लिया गया, ठीक है। तो बच्चों इन सभी बातों के आधार पर कह सकते हैं we can say that management is a multidisciplinary। management क्या है, multidisciplinary। तो टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं, यहीं पूरा करते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ।